हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं जीके के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहले आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। संडे स्पेशल ये वीडियो है, आपको जरूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। विधवा पूर्ण विवाह कानून बना था दोस्तों 1956 ईस्वी में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो 89 यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है सूर्य, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहां पे अगर बात की जाए सूर्य में एनर्जी कहां से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से, तो ये भी आप याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ये पाया होगा भाई, पाया जाता है। तो देखिए, आयोडीन आपका सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो आयोडीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 53, तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो भाई सबसे बड़ा महाकाव्य आप सभी को पता है, महाभारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? 7%, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, यानी कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है? देखिए, सबसे पुराना धर्म है आपका सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। ठीक है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। सनातन धर्म का मतलब है आपका हमेशा बना रहने वाला, सनातन धर्म का मतलब हमेशा बना रहने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। दोस्तों मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये भी कई बार आ चुका है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की है अरस्तु ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। दोस्तों भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ये मना जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? देखिए, मरकरी का जो सिंबल होता है वो HG होता है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, एटॉमिक नंबर 80 होता है, याद रखिएगा। और मरकरी को लोहे से बने पात्र में रखा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका सिकंदर लोदी द्वारा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, जिसको हम जमशेदपुर या फिर टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को टाटा नगर या फिर टाटा नगर को जमशेदपुर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये फाउंड किया गया था दोस्तों, फाउंडेड बाय द जमशेद जी नुसिरवाजी टाटा के द्वारा ये फाउंड किया गया था, इसलिए इसको जमशेदपुर और स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील या फिर टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कांच पर लिखने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है?
ये किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति आई थी 1960 से, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये 1960 से स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जबलपुर में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किससे वर्षा होती है? तो देखिए, भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी, उत्तर पूर्व मानसून से भी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी, और आपका ही हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो देखिए, मैं आपको रोज़ रोज़ या फिर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जितनी रेगुलरिटी के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ में आप वीडियो को लाइक किया करें। जो डेली देखने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, डेली आपको 25-30 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 40-50 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर किया करें। तो देखिए, गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 12% होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था शिव समुद्रा में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था फ्रैंक वीटले ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका सीसा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी कि तैरने का नियम सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये आर्किमिडीज ने, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बियॉन्ड द लाइंस एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? यह जनरल जे जे सिंह, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि तीन गोल सम्मेलन हुए थे बट गांधी जी ने सिर्फ एक में भाग लिया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो वो था द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका तंजानिया में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यह दिखता है दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? यह है वेनेजुएला में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है?
एक वेद में आपका जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये है आपका अर्थवेद, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अथर्ववेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में तो भाई तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, गोली चलते समय बंदूक से पीछे की ओर धक्का लगना किस सिद्धांत पर आधारित है? एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन का मतलब ये सिद्धांत है, और ये आपका संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है कुल विधानसभा सदस्यों का 1/3 से कम, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है? तो कितने प्रकार की इमरजेंसी लग सकती है भारत में दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 प्रकार की। और देखिए दोस्तों 3 इमरजेंसी कौन कौन सी हो सकती है। एक नेशनल इमरजेंसी होती है, जब कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री पे आक्रमण कर दे, या फिर कोई भी बाहर की कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो कि आपकी आर्टिकल आती है 352 में। ठीक है, एक दूसरी होती है आपका प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन किसी भी स्टेट में लग सकता है, जब किसी स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो जब आपकी प्रेसिडेंट रूल लगता है 356 में। ठीक है, आर्टिकल 356 में, और आर्टिकल 352 में आपकी लगती है नेशनल इमरजेंसी। और एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आपकी आर्टिकल 360 में आती है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगी है, तो 0 आपको राइट आंसर लगाना है। ये आपके इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बन गए, 3 ये, चौथा ये, और एक ये मैंने बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, देखिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, 8 बिट बराबर होती है 1 KB, 1 बिट बराबर 1 KB, और 1024 KB बराबर 1 MB, और 1024 MB बराबर आपका 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 TB यानी कि TB, और 1024 TB बराबर आपकी होती है PB यानी कि पेटाबाइट, और 1024 PT बराबर होती है EB यानी कि एग्जाबाइट, और 1024 EB बराबर होती है ZB यानी कि जेटाबाइट। इसी तरीके से ब्रोटाबाइट, बहुत सारी आगे चल के यूनिट्स बनती जाती हैं, ये आपकी यूनिट्स हैं। तो आप बस यहीं तक GB TB तक याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है, आगे नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म पवन है? तो ये है दोस्तों सिराको इज द राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? यह दोस्तों नई दिल्ली में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र से, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है दोस्तों, देखिए ये है आपका हिंदू धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 44 क्वेश्चंस थे, इन सभी के आंसर यहाँ पे दे दिया। ये पीडीएफ आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब ये ग्रुप, ये चैनल, तो वहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए। आपका स्कोर कितना रहा, 44 में से कितने सही कर पाए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी आपका डाउट रहता है वहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।